आगे मत आओ, आगे मत आओ, पीछे रहो, पीछे नहीं मैडम आ रही है, फोटो खींचो, पीछे रहो, आगे मत, आगे मत आओ। कंगना मैम भाई तुम साइड आना यार, इधर झुकना तो, फिर क्या कर रहे हो तू? ओ उतरी कंगना, 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 कंगना मैम पीछे, कंगना, कंगना, अरे दादा साइड ला यहाँ, कंगना इधर, कंगना, कंगना मैम, अरे अरे हाथ हटाओ, अरे हाथ हटाओ ना यार, नमस्ते। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है, गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया, किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पर न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहां तक कि मुझ पर हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पर भी केस हुआ, उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपने साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडिवल एज है जहां पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती, इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू हजार साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। अजय भाई कैमरा थोड़ा नीचे, अजय भाई बोलिया, अजय मैम आप यहाँ पे आए बप्पा से क्या मांगने आए आप? देखिए मुझे यहाँ पे रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की परमिशन चाहिए, और मैंने किसी से कोई परमिशन नहीं मांगी है, सिर्फ गणपति जी से परमिशन मांगी है। मैम परमिशन आप जिससे मांग रहे थे उनको ईडी का नोटिस गया है, क्या कहेंगे ईडी का नोटिस गया है? ईडी का नोटिस गया है मैम, उनको क्या बोलेंगे? उतर गई, उतर गई। साहब थोड़ा साइड, आगे से हट जाओ जरा, अरे आगे से हट जाओ ना भाई, अरे आगे से साइड आओ जाओ भाई, आगे से ये रुको वहां पे, बोलो कंगना रनौत जो की सिद्धिविनायक दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था काफी काफी ध्यान रखा गया है। सिद्धिविनायक दर्शन की तरफ से मुंबई पुलिस के भी जवान है, कंगना रनौत मुंबई को पहुंचने के बाद बाजू, अरे साइड आ जाओ यार, दादा ये नहीं बूम दिखा वहाँ पे। कंगना जी मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे, एबीपी, अजय भाई कैमरा थोड़ा नीचे, अजय भाई बोलिया, अजय भाई
मैम आप यहाँ पे आए बप्पा से क्या मांगने आए आप? मुझे यहाँ पे रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की परमिशन चाहिए और मैंने किसी से कोई परमिशन नहीं मांगी है, सिर्फ गणपति जी से परमिशन मांगी है। मैम परमिशन आप जिससे मांग रहे थे उनको ईडी का नोटिस गया है, क्या कहेंगे? ईडी का नोटिस गया है ईडी का नोटिस गया है मैम उनको क्या बोलेंगे?